अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कर चुके महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल के नाम से भी मशहूर थे। महेंद्र सिंह धोनी का भागलपुर बिहार भागलपुर से भी नाता रहा है और ये वही मैदान है जहां पर महेंद्र सिंह धोनी 2004 में सद्भावना क्रिकेट क्लब खेलने के लिए पहुंचे थे। यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के साथ थे क्रिकेट खेले हुए और यहां के जो है पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं विजय शंकर हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को महेंद्र सिंह धोनी अलविदा कर चुके हैं और उनका नाता जो रहा है भागलपुर बिहार से भी रहा है और खासकर इस ग्राउंड से रहा है, वो सद्भावना क्रिकेट कप खेलने के लिए यहाँ पहुँचे थे, तो कमी तो महसूस आज होगी। उनके फैसले ने सभा को चौंकाया है और चौंकाना उनकी आदत रही है। जहाँ तक भागलपुर का सवाल है तो भागलपुर से उनका जुड़ाव हमेशा से रहा है। जिला स्तरीय टूर्नामेंट खेलने भी आए थे, सद्भावना कप उन्होंने 2004 में खेली यहाँ और उनका जो परफॉर्मेंस था जिस हिसाब से वो हिट करते थे, मुझे याद है कि उनके छक्के जो होते थे सड़क के उस पार गिरा करते थे, तो उसी समय हम लोगों को ऐसा अंदाज लगा था कि ये आज न कल भारतीय टीम का दरवाज़ा खटखटाएंगे, पर उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खटखटाया बल्कि एक इतिहास रच दिया। महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो सद्भावना क्रिकेट कप में मैच खेले थे और वर्तमान में बिहार टीम के कैप्टन रहमतुल्ला और शाहरुख के नाम से मशहूर हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। आज कमी तो खलेगी क्योंकि कैप्टन कूल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कर दिया। जी 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 बिल्कुल, चूँकि हम लोगों उसको देख के बड़े हुए हैं और बहुत कुछ सीखा है और चूँकि इस मैदान से भागलपुर से उनका काफ़ी अच्छा नाता रहा है, हम लोगों ने उनको बड़े बड़े छक्के देखे हैं मारते हुए, मैन ऑफ द सीरीज लेते हुए और उसके जस्ट बाद इंडिया टीम में आते हुए विद इन 6 मंथ, और तो बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे बीच से जिसके साथ हम लोग खेले तो हमारे अंदर एक ऐसा मैसेज आता है कि आप जहाँ पर भी अपने आप पे बिलीव रखें उनको देख के कि आप इतने खेल से भी आगे बढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हमारे इसमें पॉजिटिवनेस रही हम लोगों में और उनके जैसा फिर दोबारा कोई आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि या किसी को भी कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई दोबारा इंडिया टीम में आएगा। उनके साथ जब आप खेल रहे थे तो उनसे जुड़ी कुछ बातें यादें जो कि अनोखी हो और बहुत कम लोगों को पता हो। जी देखिए, जो ग्लैमरस आप लोग उनके इसमें देखते थे तो सेम ऐसा ही कुछ था यहाँ भी, लेकिन जो शांत स्वभाव था ये सब चीज़ें हम लोगों को पहले से पता चल गई थी, जो आप लोगों को शायद बाद में पता चली हो। और बाइक का उनका जो शौक था, जो हमारी बाइक थी हमारे इसमें हमारे दोस्तों की उस टाइम में नई नई बाइक आई थी पल्सर, तो वो काफ़ी चलाते थे और वो हमारी 3 दिन रखे थे, तो वो सब चीज़ें जो आप लोग बाद में जाने होंगे वो हम लोग पहले से उनकी जानते थे, तो ये सब चीज़ें बहुत याद आती है तो बहुत अच्छा लगता है। एक लोकल के तरह चलते थे, जैसे अगर कहीं भी जाना आना हो तो बिल्कुल सिंपल रहते थे, स्लीपर में ही आते जाते थे, तो वो सब देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता था। हमारे साथ तो जो है यहाँ पे बासुकीनाथ मिश्रा हैं और ये भी रणजी प्लेयर हैं, तो उनसे भी बात कर लेते। सर, आज तो महेंद्र सिंह धोनी की कमी तो खलेगी, बहुत खेलेगी, अपने आप को कहीं ना कहीं लकी भी मानते हैं कि उनके साथ बैटिंग करने का सौभाग्य मिला, इसी ग्राउंड में मिला, तो कहीं ना कहीं बहुत कमी तो खलेगी। आपने उनके साथ कई मैचेस खेले यहाँ पे सद्भावना क्रिकेट में, वो यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज भी हुए थे हालांकि उनकी टीम हार गई थी, तो कुछ ऐसी बातें जो अनोखी हो और खासकर कम लोगों को पता हो वो आपको पता हो। नहीं, वो शुरू से जाते हैं बाइक चलाने के शौकीन थे, बाल बड़े बड़े जाते हैं उनका था कि बाल में पानी लगाना कोई ऐसा नहीं था, बहुत नॉर्मली और बोलते हैं क्रिकेट के प्रति लेकिन जो फोकस होता है उनको था कि कितनी बड़ी सामनी टीम रहे वो अकेले हराने का मापदा उस समय भी रखते थे जब रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, और इंडिया में आए तो लोगों ने देखा कि वो कितने बड़े मैच फिनिशर करके निकले, इंडिया 6-7 विकेट पर जाके वो इंडिया को मैच जिता दे रहे, तो ये चीज़ उनके शुरुआती दौर से क्रिकेट में थी। तो ये मैदान जो है भागलपुर का ये सैंडिस कंपाउंड मैदान 2004 में महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर सद्भावना क्रिकेट क्लब खेलने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर उनकी टीम हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी मैन ऑफ द सीरीज हुए थे और उसमें सीरीज की जो राशि थी वो 45,000 रुपये की राशि थी। जब महेंद्र सिंह धोनी यहाँ से कलकत्ता के लिए खेलने गए थे उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, उनको पैसे की जरूरत थी, तो यहाँ पर भागलपुर में उनको मैन ऑफ द सीरीज में 45,000 रुपये की राशि मिली थी, वो राशि वहाँ पर काम आया था। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को आज इस मुकाम पर पहुंचने में बिहार भागलपुर ग्राउंड का ये सैंडिस कंपाउंड का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुमित राज के साथ मैं विकास कुमार सिंह, सिल्क टीवी, भागलपुर।